फाइनली ट्रेन हमारी रुक गई है। स्टेशन का नाम है ग्लेनवुड स्प्रिंग। जी हाँ, स्टेशन का नाम है ग्लेनवुड स्प्रिंग। ये कोलोराडो में आती है और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। जैसे कहते हैं ना कि ग्रैंड कैनियन, वैसा ग्लेनवुड स्प्रिंग कैनियन। सच में अमेजिंग फीलिंग है यहाँ पे उतरना, और यहाँ पर तो सारे के सारे लोग उतर गए। वाव यार, ये देखो ईद के टाइम पे क्या सीन लगता रहेगा। गाड़ी की अनाउंसमेंट हो गई है, गाड़ी हमें बुला रही है, तो मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि इसी ने पहले ही कहा था कि अगर आप ज़्यादा देर रुकोगे तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो यह है होटल डेनवर ग्लेनवुड कैनियन। फाइनली पहुंच गया। ये जो पूरा इलाका है ग्रैंड कैनियन जैसा इलाका है। तो आने के टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ मुझे सब देखने नहीं मिलेगा, बट सच में जो अच्छा हुआ मैंने स्लीपर सीट नहीं लिया, मैंने सीटिंग कोच लिया। सीटिंग कोच में मुझे ये बेनिफिट रहा कि मुझे बड़ा विंडो मिला है, और बड़े विंडो के साथ में मैं मेरा जो शूटिंग के लिए जो व्यू है वो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे मिला। अभी तक की यात्रा में मैंने $226 का टिकट लिया हूँ, $20 का इंश्योरेंस लिया हूँ, और एक $30-40 का अभी तक मैंने खाना ख़रीदा हूँ। ये एक रफली अमाउंट है। जैसे ही ट्रेन रुकेगी, ट्रेन जर्नी ख़त्म होगी, तो मैं अपना पूरा का पूरा हिसाब आपको एक अलग से एक वीडियो में बताऊँगा। हर एक स्टेशन पे उतरने के बाद ऐसा लग रहा है क्या यहाँ पे ही रुक जाऊँ, यहाँ पे ही अपनी दुनिया बसा लूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता। मुझे अगले स्टेशन भी जाना है और वो भी एक्सप्लोर करना है। मेरी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो मेरी मंजिल है, वो है सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट। तो गोल्डन गेट देखने के लिए मैं पूरा ये रास्ता एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और इसके बीच बीच में जो छोटे छोटे जो भी स्टेशन आ रहे हैं वो एंजॉय कर रहा हूँ। इसके साथ साथ में कोलोराडो की जो रिवर है, कोलोराडो जो नदी, ये भी हमारे साथ में बहती हुई आ रही है। ये बहुत दूर से हमारे साथ में बहती हुई आ रही है। तो ये ट्रैक के साथ साथ में ही चल रहा है, रिवर और ट्रैक। जब ये एमट्रैक ट्रेन चल रही है तो ज़्यादा देर का हॉल्ट मिल नहीं रहा है। हार्डली 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का हॉल्ट मिल रहा है, ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके, और जो लोग को सिगरेट पीना है वो सिगरेट ले सके, या कोई बीमार आदमी है तो वो जाके नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आ सके। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि हर एक स्टेशन के बाहर में एक फार्मासी मेडिकल स्टोर है। तो जब ट्रेन रुकने वाली रहती तभी वो हमें अनाउंसमेंट करके बोलते हैं कि अगर किसी को दवाई लेना है तो जाके ले सकते हो। क्या जगह है, पहले माउंटेन, फिर छोटी सी बस्ती, फिर रिवर, फिर रोड, और उसके बाजू में एमट्रैक है ना। सही जगह, माउंटेन, नीचे लोग, उसके बाजू में रिवर, रास्ता और ट्रैक, और फिर मैं और आप। थैंक यू, आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो और मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिखा रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो फाइनली मैं ये ऑब्जर्वेशन डेक व्यूइंग गैलरी में आ गया हूँ, और यहाँ के आने के बाद में यहाँ का माहौल ही एकदम अलग रहता है, सब चीज़ बदल गया रहता है। लोग अपने में मस्त है। चीज़ अच्छा है कि आपको पानी पीना है तो यहाँ से आके अपनी बॉटल भर लो। जी हाँ, मैंने यहाँ से आके अपनी बॉटल भर ली थी, और प्योर, पूरा प्योर एकदम बिस्लेरी वाला फील आ रहा था पानी का, तो बॉटल ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगा था कि मुझे कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ेगा पानी, बट थैंक्स टू एमट्रैक मुझे कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ा। और मतलब हर एक जगह पे, मतलब यहाँ पर इन्होंने चार्जिंग का पॉइंट ही दिया हुआ है, तो हर एक जगह पे पूरा कंफर्ट
इन्होंने देखा है गेस्ट का कि किस तरह से आप क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत लगेगा, तो वो सब चीज़ इन्होंने सब सुख सुविधाएं की चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। यार ये ट्रक मैं कब चलाऊंगा, मुझे ये ट्रक चलाने का बहुत मन है सच में, एक ना एक दिन तो ये ट्रक चलाऊंगा मैं। ये है हमारे कोच अटेंडेंट, ये बार बार जगह जगह पे ये अनाउंसमेंट करते रहते। और ये देखो यहाँ पर सोलार एनर्जी के पैनल्स सब लगे हुए हैं। वो ट्रक अभी तक यहीं पे ही जा रहा है, चलो देखते हैं वो ट्रक कहाँ तक जाता है। रिवर तो साथ साथ में जा रही है हमारे साथ में। यूएस में आरवी वैन्स का बहुत चलन है, चलता फिरता घर। पेट्रोल है 3.19 और डीजल है 3.23। ये है गैस स्टेशन में भाव। यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं बोला जाता है, यहाँ पर गैस स्टेशन बोला जाता है। तो अब जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे लिए बहुत ही नया था कि क्यों ये लोग बार बार पेट्रोल को गैस बोल रहे हैं। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये टोटली डिफरेंट है, यहाँ पर यहाँ का कल्चर है पेट्रोल को गैस बोलना तो, और पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन बोलना। तो अब मेरे ज़बान पे भी वही आ गया है, गैस स्टेशन और गैस। सच में ये कोलोराडो का कैनियन है, सच में इसे कोलोराडो कैनियन भी कहा जा सकता है, गलत नहीं है। क्योंकि जब मैं लास्ट ग्लेनवुड स्प्रिंग स्टेशन पे जब मैं उतरा था अभी जस्ट बिफोर, तो वहाँ पे लिखा था कोलोराडो कैनियन। तो जी हाँ, ये है कोलोराडो का कैनियन। बारिश के टाइम पे क्या लगता रहेगा, जब यहाँ से वाटरफॉल और झरना बहता रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता रहेगा। ये सच में ये देखने लायक ही है। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहाड़ है। बट इस तरह के ये, जैसे कि मतलब मैंने वीडियो के आज दिन की शुरुआत में कहा था कि अलग अलग कलर के पहाड़ देखने मिलेंगे, तो ये मडी कलर का पहाड़ है रेड कलर के। और जो रॉक्स, जो हार्ड रॉक्स वाले, जो ग्रेनाइट वाले पत्थर थे वो पहले ही चले गए। तभी तक मैंने एक छोटा सा नैप ले लिया था तो मैं सो गया था। बट अभी ये मडी कलर के पहाड़ है और इसे कोलोराडो कैनियन भी कहा जाता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। सच में ये पहाड़ देख के ऐसा लग रहा है कि मैं ग्रैंड कैनियन वेगास में हूँ, बट ये कोलोराडो के ग्रैंड कैनियन है। और सच में जब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं लास वेगास के कैनियन में जाऊँगा तो वहाँ पे जो रेड माउंटेंस है, जो रेड मड वाले माउंटेंस है, वहाँ पे कितना ज़बरदस्त सीन होगा, देखने लायक रहेगा। तो सच में ये मेरा ट्रिप पूरा फुल हैपनिंग हो रहा है। सबसे मज़ा तो इसमें मतलब मुझे इस बात का आ रहा है कि मतलब सबसे पहले तो ये जो ग्रैंड माउंटेंस है वो, और ये जो हाईवेज़ है, हाईवेज़ के ऊपर ये जो लंबी ट्रक जा रही है, ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है। उसके बाजू में कोलोराडो रिवर और ये हमारा एमट्रैक। ट्रेन रुक गई है, चाचा भी मेरे साथ में आ रहे हैं। स्टेशन का नाम है ग्रैंड जंक्शन, कोलोराडो में है ये। और जस्ट मैं अभी थोड़ा सा बाहर आया हूँ, टाइम हो रहा है 3:31।
4:05 पे यहाँ से गाड़ी निकलेगी, और फिर उसके बाद मतलब आधे घंटे का टाइम दिया है, उसके अंदर में अगर मैं सब चीज़ घूम लेता हूँ यहाँ पर आजू बाजू की चीज़ें। ग्रैंड जंक्शन बहुत ही फेमस स्टेशन है कोलोराडो में, तो थोड़ा तो वॉक अराउंड बनता है। ये है एक छोटा सा स्टेशन ग्रैंड जंक्शन, और ये है हमारा रेलवे स्टेशन। तो स्टेशन के बाहर छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, यह है एमट्रैक का रेलवे स्टेशन, यहाँ पर लिखा हुआ एमट्रैक ग्रैंड जंक्शन, और बहुत ही छोटा सा है, बट छोटा है, प्यारा है, क्लीन है, साफ़ सुथरा है, और यहाँ पे जो मतलब जो एक अलग सी एक वाइब आती है जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वाव, ऑरेंज कलर के रोज, तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये है पूरा ग्रैंड जंक्शन स्टेशन। सो इसको खोलते हैं, और सबसे पहले तो मैं मास्क पहन लूँ। ये पुराने ज़माने का फ़ोन देख के कुछ याद आया क्या? अपने इंडिया में 1 रुपया डाल के PCO रहता था, ये वही है। यहाँ पे 1 रुपया डालो और फ़ोन उठा के, आई थिंक सिर्फ एक शो पीस के लिए लगा के रखा है। एक हाफ एन आवर, आधा घंटा हमें दिया गया है, तो सोचा क्यों ना यहाँ से बाहर निकल के थोड़ी सी फ्रेश एयर ली जाए। बाहर का स्टेशन भी घूम लिया, वॉक अराउंड भी हो गया, अच्छा लग रहा है इस तरह से वॉक करना, घूमना, अमेरिका के रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करना। ये मतलब डेजर्ट एरिया में भी है, दूर दराज गांव एरिया में को भी ये छोटे छोटे स्टेशन कनेक्ट करते हैं, बट सुख सुविधाएँ की जो सारी फैसिलिटी है वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कंपेयर करो इंडिया और US को, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टेशंस को लेके, सुख सुविधाएं को लेके। अभी स्टेशन पे यहाँ पर फ्री वाईफाई मुझे मिल रहा है, तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे रिमोट एरिया में जो छोटे स्टेशन पे भी मुझे फ्री वाईफाई एक्सेस मिल रहा है। बट इंडिया में भी अब स्टेशनों पे फ्री वाईफाई मिलने लगा है, तो एक अच्छी बात है। बट यहाँ पर जो मैं डिफरेंस देख रहा हूँ इंडिया और यहाँ से, बहुत बड़ा डिफरेंट है। बट सच बोलूँ तो दोनों अपने जगह पे सही है, इंडिया के रेलवे स्टेशन अपनी जगह पे सही है और US के स्टेशन अपनी जगह पे सही है। मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं जब से ट्रेन में चढ़ा हूँ तब से मैं बोल रहा हूँ कि मैं मज़ा कर रहा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अगर आप लोग को भी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ये पूरा जब वॉशिंगटन से लेकर यहाँ तक की वीडियोज़ देखने के बाद, तो प्लीज़ इसको लाइक करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है मेरे साथ में यात्रा करके। 3:45 हो गया है, 15 मिनट अभी भी है मेरे पास, बट बाहर बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है मुझे, तो मैं अंदर जाता हूँ, बैठता हूँ और एंजॉय करता हूँ। यहाँ पर अब रुक के ज़्यादा मतलब नहीं है, अंदर चलते हैं, ठंडी ठंडी हवा में बैठते। तो ये है कुछ पूरा इस तरह का ट्रेन, ट्रेन तो आपने पूरा देख ही लिया है। ग्रैंड जंक्शन, ग्रैंड जंक्शन कोलोराडो। तो आप
कुछ हो जाए पेट पूजा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट, फिर उसके बाद वापस से हमारी ट्रेन की यात्रा शुरू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते रहिए, खुश रहो, मस्त रहो। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि रेड ऑरेंज मडी, तो ये मडी माउंटेन है। मैं सीट के वो साइड बैठा था, वहाँ पे मैंने अपना कैमरा लगाया था, बट अचानक मेरे राइट हैंड साइड पे ये मडी माउंटेन मुझे देखने मिला। ये है कोलोराडो का ग्रैंड कैनियन। ओह माय गॉड, जाइंट, पूरा एक पत्थर में ही है ये, इतना बड़ा। ओ माय गॉड, जी हाँ, ये पूरा का पूरा ये एक पत्थर में है, पूरा इतना बड़ा। मैंने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा कंटिन्यू इतना लंबा एक पत्थर में पहाड़ नहीं देखा था। सच में ये अलग ही दुनिया है। इसे कोलोराडो ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। फेंसिंग लगाए गए हैं, तार लगाए गए हैं, ताकि कोई भी जानवर ये साइड ना आ सके और उनका एक्सीडेंट ना हो सके। तो ये इसके लिए इस तरह की इलेक्ट्रिकल फेंसिंग लगाई गई है। अद्भुत सच में। इसे कहते हैं विशाल और जाइंट। दूर दूर तक देखो तो कोई इंसान का नामो निशान नहीं है, बट इंसान ने अपनी यहाँ पे छाप छोड़ी है। यहाँ पर रेलवे लाइन है, गाड़ी की लाइन है, लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग करते हैं। यहाँ पर बगल में से रास्ता भी है। फाइनली आज की सनसेट हो रही है। और एक मेरा दिन इस ट्रेन में बीत गया। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम निकली और आज का ये सूरज भी निकल पड़ा कल सुबह होने के लिए। टाइम हो रहा है 8:42, यानी कि 9 बजे के करीब।
जी हाँ, 9 बजने के करीब मैं आपको फिर से टाइम दिखा दूँ, 8:42 हो रहा है रात के, अभी तक सनसेट नहीं हुआ है। अमेजिंग फीलिंग है यार। इंडिया में 9 बजे तक तो बहुत सारे लोग खाना भी खा के सोने भी चले गए रहेंगे, बट यहाँ पर अभी तक सनसेट ही नहीं हुआ है। वाव, क्या कलर है, बारिश का मौसम है, लेफ्ट साइड से सनसेट हो रहा है, थोड़ा सा ब्लू येलो ऑरेंज, और ये मेरे सामने ब्लैक, और राइट साइड में डार्क नेवी ब्लू। क्या अमेजिंग व्यू है यार, आई लव दिस प्लेस। ट्रेन दिख रही है, और ये जो लोकेशन दिख रहा है ये यही लोकेशन का ट्रेन चल रहा है, वॉशिंगटन DC टू सैन फ्रांसिस्को। ये है सॉल्ट लेक सिटी के पास का उथा। उथा ये स्टेट है। तो ये है सॉल्ट लेक सिटी, उथा का स्टेशन। ये एक बहुत ही बड़ा मेजर सिटी है उथा में। उथा बहुत ही फेमस है अपने टूरिस्ट प्लेस के लिए, ग्रैंड कैनियन के लिए, ऑरेंज माउंटेन्स के लिए, बड़े बड़े रॉक्स है जो कि हज़ार हज़ार फुट ऊंचे हैं, और ना जाने कितने सालों, हज़ारों सालों से वो माउंटेन्स उसी जगह पे खड़े हैं। देखने लायक है, जैसे जैसे सन चढ़ता है और जैसे जैसे सन डूबता है, सनराइज और सनसेट होता है, तो वैसे वैसे वो माउंटेन्स अपने कलर्स बदलते हैं। तो वो ख़ास देखने के लिए लोग इस स्टेशन पे उतरते हैं, सॉल्ट लेक सिटी उथा में। तो मेरा तो फाइनल डेस्टिनेशन सैन फ्रांसिस्को है, तो फिर कभी यहाँ पर आएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। ये वीडियो को मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, और आज की रात का जो आज के दिन का और आज की रात का जितना भी वीडियो आपने देखा अभी तक, तो उसको प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके पूछो यार, कमेंट करके पूछ भी सकते हो जो भी आपके मन में है, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो JK यात्रा मेरा ID है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पर मैं आने वाले ट्रिप का अपडेट्स देते रहता हूँ, फ़ोटोज़ डालते रहता हूँ, रील्स अपलोड करते रहता हूँ। तो वो सब जाके देखो यार, एंजॉय करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो। तो टिल देन मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो।